which has been made success by making hard effort by this team. About नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ये हमारा साउंड सेटअप जो कि गाड़ी से उतारा जा रहा है, और देख सकते हैं ये ऐसा कुछ स्टेज वगैरह बना हुआ है। अभी सारे साउंड बिखरे पड़े हुए हैं, जिनको जहां सेट करना है उसी स्थान पे रखा जा रहा है। तो अभी तो सारे बॉक्स एम्पलीफायर ये सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और कुछ सामान अभी गाड़ी से उतारा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मैदान है और बहुत ही कम साउंड बेस को एडजस्ट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये हमारा कंसोल यहाँ बनाया गया है, यानी कि अभी साउंड और सब जितना भी है वो सारा कुछ सेट हो चुका है। ये 500 वाट कैंप है, और ये 3000 वाट और CA12, उसके साथ में MHA MGP 24X मिक्सर, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये। अभी आप देख सकते हैं ये मिक्सर जो है बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट टाइम यूज किया था, काफ़ी अच्छा सिस्टम अपडेट हुआ इससे। इसमें आप देख सकते हैं माइक यूज हुआ है पोडियम, और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट के माइक, और जैक टू जैक 8 पीस यूज हुआ था, 6 या 7 पीस कीबोर्ड में यूज किया गया था। उसके बाद बहुत सारे माइक इसमें लगे हुए थे जो कि गैपर माइक थे, जो कि वो होता है ना कांगर माइक, ये आप देख सकते हैं श्योर के माइक थे सारे। ये श्योर का जितना भी सिस्टम था ये इसको का ही था, यानी कि कांग्रेस में जो इनका है खुद का ये सिस्टम था ABPS का। तो आप देख सकते हैं ये सारे माइक के बैटरी वगैरह चेक करके सब रख दिया गया है, और बहुत ही अच्छा ये सेटअप था, श्योर का था सारा। बट इसमें थोड़ा आवाज़ की दिक्कत आ गई थी, क्योंकि ये सारा स्टेज पे बहुत सारे स्पीकर होने की वजह से सीटी बहुत आ गई थी। 500 वाट पे हमने 2 12 इंच यानी कि मॉनिटर यूज़ किया है 15 इंच के, और 3000 वाट पे हमने एक एक टॉप बाहर यूज किया है, और CA12 पे हमने साइड से एक एक टॉप दिए है, जिसमें एक टॉप ये है और दूसरा दूसरी तरफ है। और जो हमारा मिक्सर है मैंने उससे लेफ्ट राइट यानी कि दोनों से आउटपुट दे रखा था। तो इसमें से हमारे जो एक दो ये माइक थे, ये हमारे जो स्टेज पे माइक रखा हुआ था यानी कि अनाउंसमेंट के खातिर वो था, और जो हमारे 3 माइक फ्रंट पे स्टैंड पे थे वो थे 3 माइक, और उसके बाद 6 से 7 कीबोर्ड थे, और बाकी सब जो कांगर माइक होता है वो था। और मिक्सर आप देख ही सकते हैं, मैंने दोनों इफेक्ट यूज किए थे थोड़ा थोड़ा। और ये अभी स्टेज पे थोड़ा सा लाइटिंग का काम हो रहा था जो बच्चे कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत भीड़ भी थी। आप देख सकते हैं आउटर में मैंने ये 2 बॉक्स नीचे 15 इंच ऊपर 12 इंच, 15 इंच में 400 वाट का स्पीकर है, 12 इंच में 300 वाट का स्पीकर है, और HF दोनों में यूज़ किया गया है। नीचे 450 है PIDU का, ऊपर भी 450 है। तो बहुत ही अच्छा ये था, एक तरीके से पूरे मैदान में आवाज़ अच्छी खासी थी, बहुत ही तगड़ा रिस्पांस था। और ये हमारा जो लाइव का गीकेम का जो क्रेन है वो लाइव दिखा रहा था इस पर, और आप देख ही सकते हैं। अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए LED वाहन के बारे में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे भाई साहब थे जो इसको ऑपरेट कर रहे थे, ये भी अपना ही काम है, आप अगर चाहें तो इसके बारे में भी वीडियो दी जा सकती है। ये हमारे प्रोसेसर थे, क्योंकि हमने 2 LED यूज किया था, एक 15 पैरंग का दूसरा 6 पैरंग का, जो कि पब्लिक के पास थोड़ा सा बीच में यूज किया था लगाए थे। यहीं से सारा कुछ कैमरे से दिखाया जा रहा था। Next, I would like to call upon the parents of Akriti Maurya, who qualified for NEET and sought admission in which has been made success by making hard effort by this team. About the students, again I say the way in which the results are coming up year on year, that make us proud, and we believe that this bar will keep on raising. We will have more many feathers to come in our cap, and we assure school management that whatever best possible supports you require from the management will always be there,
Sankey sir already mentioned what some additions about the which has been made during the year, but that is not the end. Year on year.